धोखेबाज लोगों को सबक सिखाना सही है या फिर गलत। अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, तब आपको क्या करना चाहिए? सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप लाइफ में स्टक हो चुके हो रिलेशनशिप को लेकर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँ। सो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि धोखेबाज लोगों को सबक सिखाना चाहिए या फिर नहीं। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, आप उस इंसान को इसीलिए सबक सिखाना चाहते हो क्योंकि अब वो इंसान वो कर रहा है जो वो करना चाहता है, वो नहीं कर रहा है जो आप चाहते हो। आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे क्योंकि वो इंसान आपकी बातें सुनता था, वो आपको समझता था, लेकिन अब क्या हो गया, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, उस इंसान ने कम्प्लीटली आपको अपने ज़िंदगी से निकाल दिया और अब वो इंसान वो कर रहा है जो वो चाहता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो बात चाहते हो या नहीं जो वो अभी कर रहा है। हो सकता है अभी वो किसी और से प्यार कर रहा है, किसी और को टाइम दे रहा है, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो आपकी बातें नहीं सुनता है, अभी वो आपको नहीं समझता है, इसीलिए आप उस इंसान को धोखेबाज कह रहे हो। आप उस इंसान को सबक सिखाना चाहते हो जो कि गलत नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ था, उस इंसान ने आपसे प्यार किया, आपने उस इंसान से प्यार किया, लेकिन उस इंसान ने अब आपको अपने ज़िंदगी से निकाल दिया। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्या उस इंसान को सबक सिखाकर आपको कोई फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं? आज ना मैं काफ़ी लॉजिकल बातें करने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ यार उस इंसान को बर्बाद कर दो या फिर उस इंसान को छोड़ दो। जितना ज़्यादा आप समझोगे इस चीज़ को, आपके लिए उतने ज़्यादा ये चीज़ें बेहतर होगी। देखो, सबसे पहले ना एक बात को समझ लो, अगर उस इंसान को सज़ा मिल भी गई, यानी अगर आप चाहते हो कि वो इंसान अपने ज़िंदगी में बर्बाद हो जाए या फिर उस इंसान को भी कहीं से धोखा मिले, वो इंसान भी प्यार में बर्बाद हो जाए, और अगर वो इंसान बर्बाद भी हो गया तो इससे ना आपको सिर्फ कुछ दिन की खुशी मिलेगी। आप ये मत सोचो कि अगर वो इंसान बर्बाद हो गया तो मुझे ज़िंदगी भर खुशी मिलेगी, नहीं, आपको सिर्फ कुछ दिन की खुशी मिलेगी, कुछ देर के लिए अच्छा फील होगा, लेकिन आप जब अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखोगे ना तो आपको ना खुद पे शर्म आएगी। आप खुद को सोचोगे कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने किस जगह अपना वक्त बर्बाद किया, क्योंकि अगर उस इंसान को कहीं से धोखा मिल भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे, आप अपने ज़िंदगी में इस चीज़ को भी भूल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सारी चीज़ों में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि मुझे उस इंसान को बर्बाद करना है, क्योंकि जब तक आप ये सोच रहे हो कि मुझे उस इंसान को बर्बाद करना है, तब तक आप खुद को भी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि उस इंसान को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता आपसे, ना आपके काम से ना आपसे, लेकिन आपको उसकी हर एक चीज़ से अभी फ़र्क पड़ रहा है, और जब तक आपको फ़र्क पड़ेगा तब तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। यानी आप उस इंसान को बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप बर्बाद कर रहे हो खुद को, आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और ये चीज़ तो क्लियर है कि लाइफ में कभी ना कभी आपको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि आप ये गलत कर रहे हो, और जब भी आप लाइफ में पीछे मुड़कर देखोगे ना तो आपको समझेगा कि आपने किस घटिया सी चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद किया है। कोई इंसान अब आपके ज़िंदगी से जा चुका है, उसे जाने दो, उससे बदला लेना या उसे बर्बाद करना, इससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, उस इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उस इंसान को वहाँ से भी प्यार में धोखा मिल गया तो वो किसी और के पास चले जाएगा, उस इंसान का माइंडसेट ही वैसा है। आप ये मत सोचो कि उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये सोच सोचकर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप जब भी ये सोचते हो कि मुझे उसे बर्बाद करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे,
इससे आपकी माइंडसेट वीक हो रहा है, इससे आपका माइंडसेट खराब हो रहा है, इससे आपके थॉट्स खराब हो रहे हैं, इससे ना आप लव लाइफ को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको एक इंसान ने धोखा दिया है, सबने नहीं, सभी ने आपको धोखा नहीं दिया है, सिर्फ एक इंसान ने धोखा दिया है। जब भी आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जब भी आप ये सोच रहे हो कि वो बर्बाद हो जाए, वो खुश ना रहे, इससे आपकी लाइफ स्टोरी है, वो उसकी ज़िंदगी है। एक्सेप्ट करो कि यार अब वो उसकी ज़िंदगी अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है। एक समय पर हम दोनों की ज़िंदगी एक थी, बट अब अलग है। वो जो चाहे वो कर सकता है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। सो अगर वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है और आप उसके पीछे उसके बारे में सोच रहे हो, तो इससे उसका कुछ नहीं होने वाला, इससे उसकी बर्बादी नहीं होगी, इससे आपकी बर्बादी होगी। जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, कभी ना कभी उस इंसान को ज़रूर रियलाइज़ होगा, जब भी वो आपको देखेगा कि यार मैंने इसे छोड़कर सही किया या गलत। तो आप इतना मेक श्योर करो कि मैं अपने ज़िंदगी में उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा जहां से वो इंसान रिग्रेट फील करेगा। सक्सेस इज द मैसिव रिवेंज, हमेशा याद रखना। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तभी उस इंसान को एहसास होगा कि उसने आपको छोड़ के गलती की है। आप ये मत सोचो और ना ही किसी के भरोसे बैठो कि कोई उसे धोखा देगा, बल्कि आप उस लायक बन जाओ कि जब भी वो आपको देखे या किसी मोड़ पर जब भी आपकी मुलाकात हो, तो उसे एहसास होना चाहिए। गाइस, किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। धोखेबाज लोगों को सबक सिखाना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठो, और यही बेस्ट वे है। उसको बर्बाद करने के पीछे खुद की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बेवकूफ़ मत बनो, समझदार बनो, क्योंकि कभी ना कभी एहसास ज़रूर होगा जब आप अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखोगे, तब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने किस घटिया चीज़ में अपना वक्त बर्बाद किया। आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचो। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वॉन्ट टू से। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।